वाला ये हमारे पास कहाँ पे है, जहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस बन रहा है। पिछली वीडियो में क्या चीज़ रह गई थी हमारे पास, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो है ना, वो हमारे पास फाइबर्स हैं जो कि 3, 4, 8, 9 और हमारे पास लेटरल लेमिनिस्कस को कनेक्ट करा रहे हैं, जो हेड नेक और बैलेंस आई और बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया क्यूनिएटस, ये उनके फेसिकुलाए आ गए। न्यूक्लियस ग्रेसिलस के फाइबर्स आपस में डीकसेट करेंगे और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के आपस में डीकसेट करेंगे। इनकी डीकसेशन से मिलेगा मीडियल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है आगे पायरामिड्स हैं, पायरामिड मैंने बता दिया था, पायरामिड्स आर फॉर्म्ड बाय द पायरामिडल फाइबर्स ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्स। उसके बाद ये तीनों सेम है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल एंड मेरी बॉल पेन है, मुझे चाहिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रलर एंड लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। हो गए, पेंसिल की जगह देखे गई, वो मुझे गंदा सब कुल। खैर, ये हमारे पास है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हमारे पास ऑलिव्स बनेंगे। ये हमारे पास है स्पाइनल रूट, स्पाइनल एसेसरी रूट, वो भी निकल रही थी ना हमारे पास आगे से। स्पाइनल एसेसरी रूट है ये, इसका जो है हमारे पास कहाँ से निकल रही है, ओलिवरी मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो चार चीज़ें पांच अंदर हैं वो क्या हैं, सबसे ऊपर सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल के ऊपर एक चीज़ बनानी है हमने, न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटेरियस। उसके बाद हमने बनाना है हाइपोग्लॉसल नर्व, और ये हमारे पास है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल के साथ यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटेरियस, उसके बाद हमारे पास है हाइपोग्लॉसल नर्व, और उसके बाद ये हमारे पास है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। दोबारा से रिवाइज करें तो ये न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस, उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, पायरामिड्स, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये आपस में डिकसेट करेंगे, सेंट्रल कैनाल, न्यूक्लियस ट्रैक्ट सॉलिटेरियस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस और हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकल। तो इससे हम मीडियल लेमिनिस्कस डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीकसेटिंग फाइबर ऑफ न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलस। उसके बाद ये है कि ये हमारे पास तब है जब ओलिवरी न्यूक्लियस का कम्प्लेक्स वाला है, और ये जब है जब ये बॉन्स के बिल्कुल साथ है। ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस हाइपोग्लॉसल नर्व का, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी वेगस नर्व का। यहाँ पे तरतीब से ये पड़ा हुआ है, बार से बताती हूँ, ये हमारे पास 12th नर्व का न्यूक्लियस है हाइपोग्लॉसल, वो आगे हमारे पास वेंट्रली आउट। ये हमारे पास है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एम्बिगस, ये तीनों रूट्स मिलेंगी और वेगस नर्व आ जाएगी बाहर। उसके बाद हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हैं, इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, इसके अलावा एक सुपीरियर होता है वो यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ। उसके बाद हमारे पास कॉक्लियर न्यूक्लियस हैं, ये मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और ये इन्फीरियर वेस्टिबुलर होते हैं चार, मीडियल लेटरल सुपीरियर इन्फीरियर, जिसके अंदर से दो यहाँ पे पड़े हुए हैं इन्फीरियर और मीडियल। उसके बाद हमारे पास कॉक्लियर न्यूक्लियस भी दो होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर, उनमें से पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा हुआ है और एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पेडंकल क्या चीज़ है, जो कि हमारे पास मेडुला को सेरिबेलम से कनेक्ट कराता है, जो कि सेरिबेलम को किसी भी पार्ट से कनेक्ट कराता है। इन्फीरियर जो है वो इन्फीरियर पेडंकल मेडुला को सेरिबेलम से कनेक्ट कराता है, मिडल पेडंकल मेडुला को पॉन से कनेक्ट कराता है, और सुपीरियर पेडंकल जो है वो हमारे पास मेडुला को सेरिबेलम को मेडुला से कनेक्ट कराता है, सेरिबेलम को मिडब्रेन से और सेरिबेलम को पॉन्स से। और ये हमारे पास एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक जो पीछे से आ रहे थे। अब ये हमारे पास दरमियान में क्या चीज़ें हैं, दरमियान में हमारे पास आगे वाली साइड में मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस बन गया, उसके पीछे ये हमारे पास टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, और उसके पीछे ये हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस, और ये हमारे पास पायरामिड के आगे हमारे पास आर्कुएट न्यूक्लियस पड़ा है। आर्कुएट न्यूक्लियस में हमारे पास दो फाइबर्स हैं, एक हमारे पास थे स्ट्राया मेडुलरिस थैलम, दूसरे हमारे पास ये एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर, ये जो है आर्कुएट न्यूक्लियस से राइज करते हैं। और हमारे पास जो है पॉन्टाइन न्यूक्लियस के जो कि हमारे पास क्या है, किसकी न्यूक्लियस के एक्सटेंशन है, पॉन्स के न्यूक्लियस के एक्सटेंशन है।
और ये कंसिस्ट करते हैं पॉन्टो सेरिबुलर फाइबर जो कि राइज करते हैं हमारे पास पायरामिड से राइज करते हैं और इंटीरियर मीडियम फिशर में जाते हैं। पायरामिड से इंटीरियर मीडियम फिशर के अंदर जाते हैं, इंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर आर्कुएट न्यूक्लियस से राइज करते हैं, पॉन्टो सेरिबुलर फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास मेडल पायरामिड से इंटीरियर मीडियम फिशर में जाते हैं। दोबारा से पूरे पाथवे को रिवाइज करें तो हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिगस वैगस नर्व, इन्फीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, मीडियल इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और ये मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये पोस्टीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल और इसके आगे ये जो हमारे पास है ये है स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल और ये हमारे पास है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये हमारे पास इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का कम्प्लेक्स है जो टेढ़ा मेढ़ा सा है और ये हमारे पास डॉर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, डॉर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, ये हमारे पास बन गया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व, ये हमारे पास सेरिब्रल पेडंकल, ये हमारे पास इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये हमारे पास मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारे पास कॉक्लियर न्यूक्लियस, उसके बाद ये हमारे पास ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, डॉर्सल वेगल, एम्बिगस, हाइपोग्लॉसल, ये हमारे पास आ गया मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल लैमिनिस्कस, पायरामिड्स और ये आगे आगे आर्कुएट न्यूक्लियस।